चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भोजपुरी इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी है। जी हां, पवन सिंह ने बजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी में शामिल होने की घोषणा किया है। पवन सिंह को बीजेपी शामिल होने पर भोजपुरी की हॉट अदाकारा अक्षरा सिंह ने उन्हें विश किया है। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को फोन करके बीजेपी ज्वाइन करने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई दी है। साथ ही साथ पवन सिंह बीजेपी में शामिल होकर कल रात को मुंबई लौटे, तब पवन सिंह को अक्षरा सिंह खुद एयरपोर्ट पे लेने आई और एयरपोर्ट पे ही पवन सिंह को गले लगा के विश किया। अक्षरा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मिशन को पवन सिंह आगे बढ़ाने में मदद करें। साथ ही साथ अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को स्वच्छ भारत अभियान के मिशन को भी आगे ले जाने के लिए बात कही है और पवन सिंह ने तहे दिल से अक्षरा सिंह को उनका विश स्वीकार किया। पवन सिंह ने कहा कि मैं मोदी जी का बहुत ही बड़ा प्रशंसक हूं, उनकी वजह से ही मैं इस राजनीतिक में आया हूं। मैं राजनीतिक में विधायक या सांसद बनने के लिए नहीं आया हूं। सोमवार को भाजपा कार्यालय में पवन सिंह ने पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के साथ साथ बिहारी प्रभारी भूपेंद्र सिंह यादव मौजूद थे। भाजपा नेताओं ने पवन सिंह को भगवा गमछा उड़ाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर पवन सिंह ने कहा कि वो पार्टी में नेता बनने के लिए नहीं बल्कि कार्यकर्ता बनने के लिए आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं करीब 25 सालों से भोजपुरी गाने गा रहा हूं और करीब 10 साल से भोजपुरी फिल्मों में काम कर रहा हूं। राजनीतिक में तो मैं अभी नया नया ही भर्ती हुआ हूं, मुझे राजनीति की ज्यादा जानकारी नहीं है। पवन सिंह ने भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार कहे जाते हैं। उन्होंने भोजपुरी फिल्म रंगली चुनरिया तोहरे नाम से भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा था। पवन सिंह कई भोजपुरी सिनेमा को सुपर डुपर हिट फिल्में दे चुके हैं। अपनी गायकी से अलग मुकाम हासिल करने वाले पवन सिंह का गाना लॉलीपॉप लागेलू पार्टी का सबसे बड़ा थीम सॉन्ग है। लगावेलू जब लिपस्टिक के अलावा पवन सिंह ने कई दूसरे भोजपुरी गाने भी काफी ज्यादा लोकप्रिय रहे हैं।